इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। बता दें कि उन्होंने दिल्ली में एम्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली हैं, साथ ही वो लंबे वक्त से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली एम्स में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां ने अंतिम सांसें ली हैं और बता दें कि आज उनका निधन हो गया है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था, बता दें कि वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की माँ का निधन हो गया है। लंबे वक्त से वो बीमार थी, राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हुआ है और लगातार दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो भर्ती थी और काफी समय से उनका इलाज चल रहा था और आज ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लंबे वक्त से वो बीमारी से जूझ रही थी और उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की माँ का निधन हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उन्होंने सुबह 9:28 पर अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें कि सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। माधवी राजे का पिछले 3 महीने से दिल्ली के प्रमुख अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी। आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, ये बहुत नाम था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे ने आज अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें कि काफी समय से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। पिछले दिनों 30वें चरण के मतदान से ठीक पहले ही ज्यादा तबियत बिगड़ने की वजह से सिंधिया परिवार की राजमाता को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और सभी दिग्गज नेता उनकी निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हो गया है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है, गुरुवार सुबह एम्स में उनका निधन हुआ है। बता दें कि सुबह करीब 9:30 के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर थी। आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि लगातार वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हमेशा नजर आती थी। साथ ही बता दें कि लोकसभा चुनाव के 3वें चरण के ठीक पहले उनकी तबीयत ज्यादा नासाज हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन हो गया है। बुधवार सुबह करीब 9:30 माधवी राजे सिंधिया ने अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें कि वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी और कुछ दिन पहले जब उनकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां भी वो वेंटिलेटर पर रखी गई थी, लेकिन बुधवार सुबह ही डॉक्टर ने उन्हें नहीं बचा सके और उनका निधन हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, माधवी राजे को निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस की भी बीमारी बताई जा रही है और उनका इलाज लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उनकी सेहत में ज्यादा सुधार होता दिखा नहीं और 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि लंबे वक्त से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उनकी नासाज तबीयत के बीच उन्हें नहीं बचा सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले काफी समय से सिंधिया की मां पब्लिक लाइफ से भी दूर चल रही थी और उनकी सक्रियता भी काफी कम हो चुकी थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 3वें चरण के पहले ही उनकी तबीयत ज्यादा नासाज हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह करीब 9:30 उन्होंने ये अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको वेंटिलेटर पर काफी समय से रखा गया था। निमोनिया के साथ साथ उनको सेप्सिस की भी बीमारी थी और काफी समय से उनकी सक्रियता भी कम होती हुई नजर आ रही थी। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।